आज उठने में मुझे काफी लेट हो गया, 7:09 हो रहे हैं और अभी तक मैंने अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक नहीं ली है। चलो जी, नींद की मारी जैसी मैं किचन में गई वेट चेक करने के लिए और मैंने अपना वेट देखा, देख के बड़ी खुशी हुई, नींद पूरी उड़ गई, गायब हो गई। अच्छा लगता है ना जब हमारा वेट जाता है, जब मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, खुशी सी मिलती है जब हम डाइट करते हैं और हमारा वेट जाता रहे तो, और मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैं डेली वेट चेक करती हूँ। और सुबह उठी, अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक 7:20 पे ली थी मैंने, ऐसी भी वाटर, आप इसके बदले जीरा वाटर, लेमन हनी वाटर, ये खाली वॉर्म वाटर भी ले सकते हैं। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में देखो लेफ्ट ओवर रोटी रखी हुई थी, 1/2 टीस्पून देखो ऊपर एक साइड लगाऊंगी, ऊपर से पानी छिड़कूंगी, आप चाहें तो दूध भी छिड़क सकते हैं बट मैं पानी डाल देती हूँ। फिर दूसरी साइड फ्लिप करूंगी और उस पर भी 1/2 टीस्पून देसी घी लगाऊंगी, फिर पानी छिड़कूंगी। इससे क्या होगा, पानी छिड़कने से हमारी रोटी जो है ना सॉफ्ट रहेगी, वरना अकड़ जाती है। बस दोनों साइड से सेकने के बाद दो अंडे उबाले थे मैंने, जिसमें से एक का येलो पार्ट में निकाल दूंगी और एक पूरा ही ले लूंगी। साथ में है मिल्क टी, इसमें मैं शुगर फ्री टेबलेट लेती हूँ। तो ये रहा मेरा हेल्दी और ताकत से भरा हुआ ब्रेकफास्ट। उसके बाद भाई आज फ्राइडे है, मैंने सोचा चलो सुबह ही काम निपटा लो, तो यहाँ तुरइयां मैंने कट कर ली थी और बस चढ़ा दी मैंने, बहुत सिंपल होता है। और तुरइयां वैसे मुझे इतनी कोई खास पसंद नहीं है, बस फैसल और अब्बू ही खाने वाले हैं ये, और बच्चे भी नहीं खाते शौक से, कोई सा भी बच्चा नहीं खाता, ना ही मैं खाती। और ये रही मेरी तुरइयां, अगर ऐसी भी चाहिए तो मुझे बताना, 2-3 तरीक़ों से मैं तुरइयां बनाती हूँ और वेट लॉस वाली भी तुरइयां बनती हैं अलग से। फिर उसके बाद जब ये तुरइयां बन गई थी तो भाई रोटी छोटी फैसल की बना के देनी होती है ऑफिस के लिए, और बच्चों का लंच भी मैं इसी टाइम तैयार करती हूँ 9:30 के टाइम, क्योंकि गरम गरम खाने की आदत है तो उनको गरम गरम मिल जाता है। इनका जैसे ऑफिस जाते हैं ये, तो बच्चों को लंच बॉक्स देते हुए जाते हैं, क्योंकि इनका जो स्कूल है ना रास्ते में ही पड़ता है, तो बच्चों के मज़े आ जाते हैं गरम गरम। हमेशा मैं इनको इसी तरीके से देती हूँ, मतलब ये देते हुए जाते हैं। तो आज मैंने बच्चों का, मुझसे बोला था अब्दुल रहमान ने कल के मम्मा ये वाला रैप बना के देना जो मैंने कल रेसिपी शेयर करी है, तो वही रैप बना लिया मैंने रहमान साहब के लिए। बाकी अली नहीं खाएगा, अली को ऐसी फ्रूट्स वगैरह मैंने कट कर दिए थे। फिर सब कामों से निमट गई, फिर मॉर्निंग स्नैक का टाइम हो गया था और 11:45 बज गए थे। तो यहाँ 2 इंजीर मैं लूँगी, ठीक है, आप इसके बदले बादाम भी ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, या भुना चना, या रोस्टेड मखाने, पीनट्स, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, या कोई फ्रूट्स ले सकते हैं सीजनल फ्रूट, ठीक है, बनाना भी ले सकते हैं मैं मॉर्निंग स्नैक में, ठीक है। फिर घर की सफाई वगैरह करी, कपड़े प्रेस करे, इतने में भाई जियान के स्कूल जाने का टाइम हो गया था। फिर मैंने आलू और चिकन का जो मसाले वाले राइस होते हैं ना वो बना लिए थे, और मतलब इसको ज़्यादा बोटी नहीं देनी तो मैंने इसके लिए निकाली नहीं थी। जैसे ही जियान तैयार हुआ, बारिश का मौसम हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आने लगी थी, और यहाँ दोनों बच्चे भी आ गए, मतलब बारिश से आने से पहले ये घर में आए और बारिश स्टार्ट हुई है। अस्सलाम वालेकुम, तो जी आपको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और देखो अभी बस नमाज पढ़ी है और मैंने सोचा चलो एकदम से मुझे याद आया कि चलो इंट्रो कर देते हैं थोड़ा सा, और बस अभी 1:30 बजा है। अब मैं जाऊंगी किचन में अपने लंच की तैयारी करने के लिए, बाकी सबने खाना खा लिया है। और आज और एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिन लोगों को स्वीट क्रेविंग होती है ना, मेरी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग रखते हैं वेट लॉस जर्नी में, तो उन लोगों के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि न्यू रेसिपीज लाऊं जिससे आपका वेट भी गेन ना हो। मेरा मसला यही है कि मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी ब्लोट हो जाती है, फेस भी इतना बड़ा हो जाता है, टमी, मीठा खाने से फेस और टमी पे असर होता है सबसे ज़्यादा, आप नोट करना, आपकी टमी एकदम फूल जाएगी और आपका फेस इतना बड़ा हो जाएगा। तो मेरे साथ यही मसला होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना अनहेल्दी मीठा खाते हुए घर में कुछ ऐसा बनाए जो वेट गेन भी ना करे, ठीक है। और चलो पहले मैं आपको रेसिपी दिखा देती हूँ क्या है वो रेसिपी, मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। लंच टाइम हो गया, तो यहाँ पर मैंने एक मैंगो अपने लिए बचा के रखा था राती को, मैंने कहा मैं अभी नहीं खा रही, मैं कल खाऊंगी, मेरे लिए बचा दो, रेसिपी भी शेयर करनी है। तो एक पूरा मैंगो मैंने ले लिया था और इसको ऐसे ही कट करना है। अच्छा, इस मैंगो की है ना आप ओट्स भी डाल सकते हैं, स्मूथी या मैंगो शेक भी ले सकते हैं इस टाइम पर, बट मेरे को मन हुआ कि मैं साबूदाना का कुछ शेयर करूँ, मन था, बचपन से मुझे बहुत पसंद है साबूदाना, तो मैंने कुछ आइडिया लगाया कि ऐसे बॉइल करो, फिर आम की आधे आम
की मैंने प्योरी बना ली थी, मतलब इसको मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर दिया था थोड़ा सा पानी डाल के, और ये पता नहीं साबूदाना कैसे थे, थोड़े मेल्ट हो गए, थोड़े से ऐसे रह गए। मैंने कहा अब चलो अब इसी से काम चलाना पड़ेगा, तो ये जितने भी साबूदाना था इसमें डाल दिया आम की प्योरी में, फिर अच्छे से मिक्स करा है। और इसमें मैं डालने वाली हूँ दूध, हाफ कप लिया है मैंने लो फैट वाला। अगर फुल फैट वाला है तो उसकी मलाई हटा के उसके बाद ही ऐड करना, ठीक है। फिर आइस क्यूब्स डाल ली हैं, और उसके बाद थोड़े से जो ये बचा के रखे थे मैंने, थोड़ा अच्छा लगता है जब मुँह में आता है ना बीच बीच में आम, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बस ये सिंपल सा इस तरीके से तैयार कर दिया था, कुछ अलग हो गया। और साबूदाना जब बीच बीच में आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जैसे राइस होता है ना उस तरीके का। ऊपर से गार्निशिंग के लिए पिस्ताशू। इसमें पता है एक चीज की कमी है, जो साबूदाना होता है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, मतलब व्हाइट से एकदम, लेकिन हुआ ही नहीं। और जो थे दूसरे वाले जो हो गए थे वो भूल गए, मतलब 10 सेकंड के अंदर अंदर पता नहीं कैसे साबूदाना था। बाकी आप अच्छी क्वालिटी के लेना साबूदाना, तभी अच्छा बनेगा। और ट्राई करना, अगर आपके पास चिया सीड नहीं है तो साबूदाना डाल देना, वो भी एकदम से फुल कर देगा पेट को। जैसे होता है ना कभी कभी हम डिटॉक्स करते हैं या मैंगो शेक पीने का मन चाहता है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ऐड कर सकते हो चीज़ें, और टेस्टी भी लगता है ये, अच्छा लग रहा है। इसका जो साबूदाना बीच बीच में आ रहा है वो चीज़ अच्छी लग रही है, आप ट्राई करना, ठीक है जी। मैं अपना ये इंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। A few moments later. अब्दुल रहमान ना अभी बाहर गया था, वो नारियल लेकर आया। अब इस नारियल का मेरे को एक आइडिया आया कि कोकोनट मिल्क बना लेते हैं, और कुछ न्यू रेसिपी शेयर करेंगे उसकी, जिनको PCOD है, थायरॉइड है, उनके लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी नॉर्मल जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है वो भी ये ले सकता है। चलो इंशाल्लाह कल ये रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, कोकोनट मिल्क के साथ हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही लंच से निमटे फिर बच्चे आ गए ट्यूशन के, और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और अच्छा पढ़ते हैं, ज़्यादा मुझे परेशान नहीं करते। और जी बस ट्यूशन पढ़ाऊँगी, इसके बाद हो जाएगा हमारा इवनिंग स्नैक का टाइम। इवनिंग स्नैक में देखो मैंने ये ब्लैक चना घास को मतलब बॉईल करके उसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल दी थी, थोड़ा सा चाट मसाला, बिल्कुल मुन्ना सा। मैं ज़्यादा स्पाइसी और सोल्ट पसंद नहीं करती, मेरी ज़बान को सूट ही नहीं करता, ठीक है। अब चलते हैं डिनर की तरफ, और डिनर पर देखो 7:30 बजे मैं अपना डिनर को फिनिश कर लेती हूँ। तो ये कल का सोया चंक का जो कीमा था ना वो बचा हुआ था बॉइल्ड, मतलब मिक्सर में चला दिया था, उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करी। उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और भुना हुआ ज़ीरा अगर है आपके पास, वरना स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करना सॉल्ट कम से कम डालना, पिंक सॉल्ट है तो ज़्यादा। उसके बाद मैंने इसमें हाफ आलू को बॉईल कर लिया था, बड़ा था तो हाफ ही लिया था मैंने। और अगर आपके पास पनीर है ना तो प्लीज़ पनीर ऐड करना, या फिर थोड़ा सा भुना हुआ बेसन। आलू को कोशिश करना स्किप कर दो, बट मेरे पास अभी दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसलिए आलू को मैश करके डाला। वैसे कोई इतना लो कैलरी हाई कैलरी नहीं होती, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ रात में सब चीज़ें अवॉइड करना, बट मुझे रेसिपी शेयर करनी थी इसलिए मैंने आलू डाल दिया, ठीक है। आप इसके बदले पनीर डालना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था, और मिक्स करने के बाद ना हम इसे गोल गोल टिक्की की शेप देंगे, ठीक है। और हरा धनिया भी नहीं था, हाँ हरा धनिया ज़रूर डालना है इसमें, उससे अच्छा फ्लेवर आएगा। ये रही टिक्की, और इस तरीके से आप शेप दे दो, आप जैसा भी चाहो वैसी शेप दे दो, और बस सारी बना लूँगी। और ये मैं 2-3 से ज़्यादा नहीं खाने वाली, मेरा इसमें हो जाएगा पूरा, आप 4 तक खा सकते हो ये, ठीक है। विदाउट मतलब थोड़ा सा ही मैंने इसमें घी डाला था, ऑयल वगैरह नहीं डाला था, घी डाला था 1/2 टीस्पून। और भाई मुझे देसी घी सूट करता है तो मैं इसलिए देसी घी खाती रहती हूँ पूरा दिन, मतलब कुछ भी बनाती हूँ ना देसी घी में ही बनाती हूँ मैं। तो ये रहा मेरा हेल्दी वेट लॉस टिक्की रेसिपी, और देखो कितनी डिलीशियस लग रही है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। मैंने सोचा शायद आलू डालूंगी तो टेस्टी नहीं लगेगी, लेकिन यम्मी था, मज़ा आ गया। बच्चों ने भी खाया, अब्बू ने भी टेस्ट करी, और अब्बू को भी अच्छी लगी। जब अब्बू को कुछ अच्छा लगता है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है।
चलो जी आज का यही था मेरा पूरा दिन का। और रेसिपी पसंद आए, मेरी कोई सी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मोटिवेशन के लिए, और शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो और हेल्दी जियो, अपने साथ अपनी फैमिली।